आज देश के अमर सपूत वीर अब्दुल हमीद का जन्मदिन है। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद 1965 के युद्ध के हीरो रहे हैं। गाजीपुर की माटी को हमेशा अपने इस बलिदानी सपूत पर गर्व रहा है। सर्वोच्च बलिदान देकर मातृभूमि की रक्षा करने वाले इस अमर सपूत की कहानी तब तक सुनाई जाती रहेगी जब तक ये धरती है। देश का हर बच्चा बच्चा गाजीपुर के इस वीर सपूत की कहानी को स्कूलों में, इंटरनेट पर पढ़ता और टीवी में देखता है। आज न्यूज ब्रीफ भी अपनी धरती के इस अमर बलिदानी को सलाम कर रहा है। आज के इस खास दिन हम वीर अब्दुल हमीद को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनसे जुड़ी एक खास कहानी आपसे साझा कर रहे हैं। यह किस्सा उस वक्त का है जब 1965 के युद्ध की घड़ी सर पर आ गई। उस वक्त अब्दुल हमीद गाजीपुर के अपने गांव धर्मपुर में थे। अब्दुल हमीद को भी ड्यूटी पर पहुंचने का आदेश मिला। किस्सा बताते हैं कि जब वह ड्यूटी पर जाने के लिए अपने बिस्तर बंद की रस्सी बांध रहे थे तभी वह टूट गई। उनकी पत्नी रसूलन बीबी ने कहा कि यह अपशकुन है। उन्होंने अब्दुल हमीद को रोकना चाहा, लेकिन जब सवाल मातृभूमि की आन बान शान की रक्षा का हो तो कोई वीर सपूत कहां रुकता है। अब्दुल हमीद चल पड़े। कहते हैं कि एक दोस्त उन्हें साइकिल से स्टेशन पहुंचाने जा रहा था। इसी दौरान साइकिल की चेन भी टूट गई। मामला यहीं तक नहीं रुका। अब्दुल हमीद को जो ट्रेन पकड़नी थी वह भी छूट गई। तमाम दबाव पड़े कि अब तो घर को लौट चलो, लेकिन परमवीर ने सबको वापस लौटा, देर रात की ट्रेन पकड़ी। अब्दुल हमीद अपनी पत्नी रसूलन बीवी से वादा करके गए थे कि वापस लौटूंगा। वो तो नहीं लौटे, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से जरूर लौटे कि गाजीपुर के लाल ने पाकिस्तानी टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। आज हमारे बीच अब्दुल हमीद और उनकी पत्नी रसूलन बीवी दोनों ही नहीं है, लेकिन अब्दुल हमीद ने अपने संग संग अपने परिवार के निशान को भी अमर बना दिया। गाजीपुर के लोग हमेशा अपने इस वीर बलिदानी को दिलों में संजो कर रखेंगे। गाजीपुर की ऐसी ही वीरता भरी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।